हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11 के लिए SST यानी सोशल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप CHS ये फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तब भी दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तब भी दोस्तों ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं टोटल आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आपको कोशिश करनी है 20 में से 15+ क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही पहले आंसर देने हैं। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर पहले आपको खुद देना है वीडियो को पॉज करके, फिर चेक करना है कि वो आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपको दोस्तों 15+ आंसर है जो वो सही देने हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। रीड द गिवन डाटा इन द टेबल एंड फाइंड आउट द एवरेज मंथली इनकम ऑफ कंट्री ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं एक डाटा दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपको डाटा को पढ़ना है और देश ए की औसत मासिक आय यानी कि एवरेज मंथली इनकम आपको बतानी है किसकी, कंट्री ए की। तो यहां पे दोस्तों दो कंट्री की इनकम दी हुई है, कंट्री ए और कंट्री बी। तो यहां पे दोस्तों 10,500, 9,895, 10,000 और 10,500। तो ये दोस्तों कंट्री ए की इनकम है और नीचे कंट्री बी की भी इनकम दी हुई है। हमें दोस्तों मंथली इनकम निकालनी है, एवरेज इनकम निकालनी है किसकी, कंट्री ए की। तो एवरेज दोस्तों आपको निकालना आता होगा। सबसे पहले इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर टोटल कितने, 5 है, 5 के साथ दोस्तों हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये 10,500 है, ठीक है, और ये भी 10,500। तो 10 और 10 20, तो 20 और 500 जोड़ेंगे तो 1,000 बनेगा। तो 21,000 तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों 10,000 यहाँ पर भी दिया है तो 31,000 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 95 और 98 भी दिया है, 95,000 और 9,800 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 0, 0, 8 और 5, 13, फिर 9, 10 और 10, 20 और फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों 5। तो 50,300 दोस्तों इनका सम बनेगा, ठीक है ना। 50,300 दोस्तों इनका क्या बनेगा, सम बनेगा। एवरेज निकालने के लिए दोस्तों 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 बन जा 5, यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 5 6 के 30, यानी कि 10,060। 10,060 दोस्तों आपकी एवरेज मंथली इनकम आ जाएगी किसकी, कंट्री ए की, देश ए की। तो 10,060 ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको भी कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार के बारे में सही नहीं है। तो 4 कथन दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा इनमें से लोकतांत्रिक सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में सही नहीं है वो आपको बताना है। और यहाँ पे नहीं का दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार बच्चे इस नहीं को नहीं पढ़ते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में दोस्तों ये नहीं पूछा जाए ना, वही बच्चे को ज़्यादातर गलत होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वैध सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार एक उत्तरदायी सरकार है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकार दोस्तों जनता की अपनी सरकार होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है। तो 3 सही हो गए दोस्तों, इसका मतलब लास्ट वाला ही गलत हो सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं, यह गलतियों को सुधारने की अनुमति नहीं देता है, इट डज नॉट अलाउ टू करेक्ट मिस्टेक्स। तो बात दोस्तों यहाँ पे गलत लिखी हुई है, क्योंकि गलतियों को सुधारने की अनुमति दी जाती है इसमें, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं देता है, यानी कि दोस्तों चौथे वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकोरेक्ट है। तो यही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें दोस्तों इनकोरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दोस्तों डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपको ध्यान से समझना है और ऑप्शन भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है ना, फिर आपको आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट कब इम्प्लीमेंट की, आपको बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों 1 नवंबर 1951, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957 या फिर 1 नवंबर 1966। तो डेट तो सेम है, 1 नवंबर है, आपको सिर्फ सन बताना है कि किस सन में इसको मतलब लागू किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, इनकोरेक्ट आपको बतानी है। तो सबसे पहला दोस्तों आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स
डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी संविधान है जो वो धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो पहली स्टेटमेंट ये दोस्तों कि संविधान है जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर रोक लगाता है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों संविधान हमें किसी भी धर्म का अभ्यास करने, मानने, प्रचार करने या फिर किसी का पालन ना करने की अनुमति देता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें अलो करता है टू प्रैक्टिस प्रोफीस और प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, यानी आपकी मर्जी है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो या फिर किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते, भी आपकी मर्जी है। तो ये भी दोस्तों क्या है, हमें जो धर्म है वो प्रोवाइड करवाता है, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके बाद सी वाला, भारत का संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलोज द स्टेट टू इंटरवेन द इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो क्या करते हैं, जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके बीच में समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को क्या करता है, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो पहली दूसरी और बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, तीसरी। अब चौथी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी संविधान के अनुसार धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता कभी भी। तो ये वाली दोस्तों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच अमंग द फ्लोइंग इज द फाउंडर ऑफ BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी, कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है आपको बताना है। पहला दोस्तों कांसीराम, ऑप्शन बी है साहू महाराज, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है दोस्तों ज्योतिबा फुले। तो BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कांसीराम, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956, यानी 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तमिल, सिहली, हिंदी या फिर अंग्रेजी, इनमें से कौन सी भाषा है ये भी आपको याद रखना है। एक्ट 1956, तो इसके तहत दोस्तों श्रीलंका की आधिकारिक जो भाषा घोषित किया गया था किसको किया गया था, सिहली को किया गया था। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइम स्टोन एज रॉ मटेरियल, यानी कौन सा उद्योग है निम्न में से जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो लाइम स्टोन है दोस्तों रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, किस इंडस्ट्री में होता है, किस उद्योग में होता है आपको बताना है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर या फिर जूट। तो ये भी दोस्तों एक ईजी सा क्वेश्चन है और आपको पता होगा सीमेंट उद्योग में, ठीक है ना, सीमेंट इंडस्ट्री में जो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, वो रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, When was the Wildlife Protection Act implemented? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया ये आपको बताना है, 1972, 1978, 1980 या फिर 1985। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 यानी कि 1972 में इसको लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है यानी कि सही सुमेलित है वो आपको छांटना है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज पैचेस ऑफ लैंड, जो आदिम निर्वाह खेती है वो भूमि के बड़े टुकड़ों पर की जाती है। दोस्तों क्या ये सही है आपको बताना है। दोस्तों जो आदिम निर्वाह खेती है वो बड़े टुकड़ों पर नहीं की जाती, ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे गलत है, तो ये वाला तो आपका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट, गहन निर्वाह खेती एकल फसल उत्पादन खेती है, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग है। दोस्तों ये एकल फसल उत्पादन खेती नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ पे सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारी दोस्तों बी वाली क्या है, गलत हो जाएगी। उसके बाद तीसरा, कमर्शियल फार्मिंग यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, वाणिज्यिक खेती में आधुनिक आदानों की उच्च मात्रा का उपयोग किया जाता है, इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मतलब कि बढ़ाने की वो की जाती है, जो इसमें दोस्तों जो खाद वगैरह है मतलब कि प्रोडक्ट्स वगैरह है वो ज़्यादा डाले जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। यहाँ पे यही बात लिखी है कि आधुनिक आदानों की उच्च मात्रा का उपयोग किया जाता है, ये वाली बात दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी है। वृक्षारोपण खेती भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, प्लांटेशन फार्मिंग है जो वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर की जाती है, ये भी दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो यानी कि दोस्तों तीसरे वाली जो पेयर है वो बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फिल्म एलेगरी ऑफ फ्रांस। निम्न में से कौन सा फ्रांस की महिला रूपक के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है वो आपको बताना है। उसका नाम मारियान रखा गया, शी वॉज नेम्ड मैरियन। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आपने पढ़ा होगा बुक में फ्रांस की जो महिला रूपक थी उसका नाम क्या था, मारियान था, ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है, उसने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया, सी टुक पार्ट इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। दोस्तों ये वाली बात यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि वो तो एक महिला रूपक थी, कोई मतलब कि एक वास्तविक महिला नहीं थी कोई, ठीक है ना। वो तो एक दोस्तों क्या था, एक आप कह सकते हो सिंबल था या फिर एक रूपक थी, ठीक है ना। असली में कोई महिला नहीं थी, एक विचारधारा थी, तो वो कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में भाग लेगी। तो ये वाला यहाँ पे दोस्तों सही नहीं है, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी ये वाला बिल्कुल सही है, उसके चित्र सिक्कों और टिकटों पर अंकित ये भी यहाँ पे दोस्तों सही है, लेकिन दूसरे वाला दोस्तों गलत है, क्योंकि वो कोई वास्तविक महिला नहीं थी इसलिए वो भाग नहीं ले सकती फ्रांसीसी क्रांति में। बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और 10 में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब बाकी आगे के अब 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारडोली इन 1928। निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। तो भी दोस्तों एक ईजी क्वेश्चन आपको पता होगा, ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होगा दोस्तों बारडोली में जो किसान आंदोलन हुआ था 1928 में उसका नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताना है, और इनकी दोस्तों मूर्ति बनी है वो कहाँ पे बनी है आपको पता होगा, सबसे लंबी मूर्ति बनाई गई थी तो वो कौन सी जगह पर बनी गई है भी आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज प्रिंटेड फर्स्ट बाय गुटेनबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा सबसे पहले छापी गई। तो कौन सी पुस्तक दोस्तों सबसे पहले छापी गई थी, चैप बुक, अमर जीवन, बाइबल या फिर पंचांग यानी कि एल्मनक। तो दोस्तों आपको बताना है, ये भी इजी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहली जो पुस्तक छापी गई वो कौन सी थी, बाइबल, यानी ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वॉज द बेस ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली है, उसका आधार कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा पहलू है ब्रेटन वुड्स प्रणाली का आधार था वो आपको बताना है। मिलिट्री सिस्टम यानी कि सैन्य व्यवस्था, कल्चरल सिस्टम यानी कि सांस्कृतिक प्रणाली, या फिर इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली, हिस्ट्रिकल सिस्टम यानी कि ऐतिहासिक प्रणाली। तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा दोस्तों, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जो, उसका जो बेस था वो क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक प्रणाली था। ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, मुंबई, कोलकाता, पुणे या फिर बेंगलुरु। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बेंगलुरु है वो क्या है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कारगिल फूड्स ए वेरी लार्ज MNC इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, विच वन ऑफ दीज कंट्री डज इट बिलोंग टू। जो कारगिल फूड है दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है, ठीक है ना, और भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो ये किस देश से संबंधित आपको बताना है, इंडिया से, फ्रांस से, ग्रेट ब्रिटेन या फिर USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको पता होगा दोस्तों जो कारगिल फूड है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, मतलब उस देश से संबंधित है, उसी देश की कंपनी है। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में करेंसी नोट जारी करता है, करेंसी नोट कौन सा संगठन जारी करता है, भारत की केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग, या फिर वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको पता होगा दोस्तों जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो क्या करता है, करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ए इज़ वर्किंग इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ जयपुर। ए दोस्तों जयपुर में कपड़ा निर्यात उद्योग में कर्मचारी है। ही गेट्स फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव एटसेट्रा। उसे स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि, चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं मिलती है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ए इज़ वर्किंग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ए काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में यानी गैर सरकारी में है, ऑर्गेनाइज यानी संगठित में है,
अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित में। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, जो स्वास्थ्य बीमा हो गया, भविष्य निधि, चिकित्सा अवकाश, इस टाइप की जो दो फैसिलिटीज़ हैं वो किस में मिलती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, मतलब कि संगठित क्षेत्र में मिलती हैं। तो संगठित क्षेत्र ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा अनौपचारिक स्रोत नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है ना। साहूकार यानी ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स यानी कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना। उसके बाद संबंधी और मित्र, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको बताना है इनमें से अनौपचारिक स्रोत कौन से नहीं है, ठीक है ना। अनौपचारिक स्रोत कौन से नहीं है यानी कि औपचारिक है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो सहकारी समिति होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, तो इनफॉर्मल नहीं होंगे इसका मतलब, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, ये इनफॉर्मल होते हैं। तो डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज नॉर्मली डिपेंड्स ऑन, सामान्यतः किसी देश का विकास निर्भर करता है, किसी देश का विकास कहाँ किस पे निर्भर करता है, इट्स पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पे, या फिर इट्स एवरेज लिटरेसी रेट, औसत साक्षरता दर पर, या फिर हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी पर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, आपको पता होगा जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, किसी देश का, वो किस पे डिपेंड करता है, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, बेल्जियम जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग फ्लेमिश प्रदेश में निवास करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी 80%, फिर 59%, और फिर है दोस्तों 70%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। और 20 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या CHS सैनिक स्कूल की तैयारी करें क्लास 11th के लिए, उनको भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती रहेगी। और दोस्तों एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों ये वाली PDF आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।